ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आइए आज एक कथा सुनते हैं। लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह हमें बनना चाहिए, क्यों? आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बौद्ध भिक्षु जो कि भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनने जाया करते थे, एक दिन गए हुए थे। उन्होंने कुछ अनोखा देखा जंगल में। एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, जब इसके पैर ही नहीं हैं, तो इसे खाना कौन देता होगा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़ों में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु बुदबुदाया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिप करके शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहले दिन को बिता लिया, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षुक की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी, वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया, किसी का इस हालत में पहुंचना कोई पाप नहीं है। महात्मा बोले, बिल्कुल है। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकते हैं। ज़रूरत है उसे पहचानने की या ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, बने हैं शेर, यानी कि ऊपर से आए हैं शेर बनने के लिए, गुण हैं शेर बनने के, और हम बन रहे हैं लोमड़ी, यानी कि जो हमें होना था, जो होना चाहिए था हमें, हम वो नहीं होकर के कुछ और हो रहे हैं, जो कि नुकसानदायक तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं जीवन में। तो अपनी क्षमता को पहचानिए और मेहनत करना स्टार्ट कीजिए जीवन में आगे बढ़ना है तो। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी नई वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव। कमेंट्स में भी जरूर लिखें ओम नमः शिवाय।